काफी स्टूडेंट मोटर के कितने टाइप होते हैं और उनके उपयोग कहाँ कहाँ होती है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। खास करके आपको मोटर के टाइप और जनरेटर के टाइप यानी कि पूरी इलेक्ट्रिकल मशीन के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं और कौन कौन से मोटर कहाँ कहाँ उपयोग में ली जाती है, तो सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। इलेक्ट्रिकल मशीन के कौन कौन से टाइप होते हैं, बेसिकली दो तरह की इलेक्ट्रिकल मशीन होते हैं, स्टेटिक इलेक्ट्रिकल मशीन और डायनेमिक इलेक्ट्रिकल मशीन। स्टेटिक इलेक्ट्रिकल मशीन वो इलेक्ट्रिकल मशीन होती है जिसमें कोई हिलने डोलने वाली पार्ट नहीं होती है यानी कि ट्रांसफार्मर। और सेकंड में डायनेमिक इलेक्ट्रिकल मशीन वो इलेक्ट्रिकल मशीन होती है जिसमें रोटेटिंग पार्ट होती है, रोटेट करने वाली पार्ट होती है। और डायनेमिक इलेक्ट्रिकल मशीन जो होती है वो दो तरह के होते हैं, मोटर और जनरेटर। अब हम बात करते हैं मोटर के कौन कौन से टाइप होते हैं और उनके उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अब मोटर की। तो मोटर जो होते हैं बेसिकली इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करने वाला यह डिवाइस है। और यह जो है बेसिकली तीन टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एसी मोटर, डीसी मोटर और स्पेशल मोटर, तीन टाइप के मोटर होते हैं। अब हम बात करते हैं एसी मोटर जो होते हैं वो कौन कौन से टाइप के होते हैं। एसी मोटर जो बेसिकली होते हैं दो तरह के, सिंक्रोनियस मोटर सबसे पहले होते हैं, सिंक्रोनियस मोटर और सेकंड में इंडक्शन मोटर होते हैं। सिंक्रोनियस मोटर और इंडक्शन मोटर ये दोनों एसी मोटर होते हैं। इंडक्शन मोटर को एसिंक्रोनियस मोटर भी कही जाती है। अब हम बात करते हैं जो सिंक्रोनियस मोटर होते हैं ये किस टाइप के मोटर होते हैं। खास करके सिंक्रोनियस मोटर जो होते हैं इनके स्पीड जो होते हैं सिंक्रोनियस स्पीड होते हैं। सिंक्रोनियस स्पीड मतलब कॉन्स्टेंट स्पीड वाली मोटर, इस मोटर की स्पीड बिल्कुल कॉन्स्टेंट होती है और इसको उपयोग में ली जाती है पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। अब आप कहेंगे कि पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए तो हम कैपेसिटर बैंक यूज करते हैं, जी हाँ, लेकिन जहां पे जनरेटिंग स्टेशन होता है, जहां पे जनरेट करते हैं पावर को, वहां पे हम सिंक्रोनस मोटर को यूज करते हैं पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए। लेकिन हम कहीं कहीं इंडस्ट्रीज में क्या करते हैं, कैपेसिटर बैंक का भी उपयोग में लेते हैं पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए। और सिंक्रोनस मोटर जनरली अगर देखें तो पेपर प्रिंटिंग मशीन में सिंक्रोनस मोटर को उपयोग में लेते हैं। और सेकेंड में इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर जो है एसी का, ये जो इंडक्शन मोटर एसी मोटर होती है और यह मोटर जो है 80% केस में आपको देखने के लिए मिलेगा, यानी कि एसी में सबसे ज़्यादा यूज में ली जाने वाली मोटर ये इंडक्शन मोटर होती है, सबसे ज़्यादा उपयोग में ली जाती है इंडक्शन मोटर। 80% से ज़्यादा आपको इंडक्शन मोटर ही देखने के लिए मिलेगा आपको इंडस्ट्रीज में या घरों में या अदर अदर जगह। तो इंडक्शन मोटर की एग्जाम्पल की हम बात करें, जो सीलिंग फैन होते हैं घर के अंदर उसमें भी इंडक्शन मोटर लगे होते हैं, और घर में जो पंप होते हैं मोटर जिससे हम पानी टैंक में भेजते हैं उसमें वो मोटर भी इंडक्शन मोटर ही होती है, और खेतों में जो लगे होते हैं वो भी इंडक्शन मोटर ही होते हैं। अब हम बात करते हैं डीसी मोटर की। डीसी मोटर बेसिकली चार टाइप के होते हैं और यह डीसी मोटर की हम बात करें तो सबसे पहले जो डीसी मोटर होते हैं वो सीरीज मोटर होते हैं, डीसी सीरीज मोटर। और सीरीज मोटर क्यों, क्योंकि इसका जो फील्ड वाइंडिंग होता है सीरीज मोटर का, डीसी सीरीज मोटर का, उसका फील्ड वाइंडिंग सीरीज में कनेक्टेड होता है, इसलिए वो डीसी सीरीज मोटर कहलाता है। यह मोटर बेसिकली यूज में ट्रेन के इंजन में पहले हुआ करता था, लेकिन अभी के टाइम में ये इंडक्शन मोटर ही यूज कर लेते हैं ट्रेन में भी। अब हम बात करते हैं जो डीसी सीरीज मोटर है या लिफ्टर में भी यूज की जाती है, मॉल के लिफ्टर में, आप मॉल वगैरह में गए होंगे उसमें जो लिफ्टर होते हैं ना वो भी, उसमें भी डीसी सीरीज मोटर यूज की जाते हैं। मतलब कि जहाँ हैवी लोड की आवश्यकता होती है वहाँ पर डीसी सीरीज मोटर यूज करते हैं, और जहाँ क्रेन वगैरह में भी डीसी सीरीज मोटर ही यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं डीसी सीरीज मोटर के अलावा इसके और भी टाइप हैं डीसी मोटर के, कौन कौन से, डीसी शंट मोटर, ये
जनरली आपको डीसी फैन में देखने के लिए मिलेगा। डीसी संट मोटर, डीसी मोटर में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला डीसी संट मोटर है, और एसी में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला इंडक्शन मोटर है। अब हम बात करते हैं डीसी संट मोटर जनरली आपको डीसी फैन में मिल जाएगा देखने के लिए, या अदर जगह सबसे ज़्यादा डीसी में डीसी संट मोटर यूज किए जाते हैं। और इसका जो फील्ड वाइंडिंग होता है वो पैरेलल में कनेक्ट होता है, जिस वजह से इसको डीसी संट मोटर कहा जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपाउंड मोटर होता है। कंपाउंड मोटर, डीसी कंपाउंड मोटर, इसमें क्या होता है कि सीरीज और पैरेलल दोनों में इसका जो फील्ड वाइंडिंग होता है कनेक्टेड होता है, इसलिए इसका नाम कंपाउंड मोटर पड़ा। और यह जो है अभी के टाइम में काफ़ी कम उपयोग में ली जाती है, पहले काफ़ी मतलब ज़्यादातर उपयोग में ली जाती थी कंपाउंड मोटर, लेकिन अभी के टाइम में बिल्कुल भी इसका उपयोग बहुत कम होता है। अगर उपयोग की बात करें एग्जाम्पल की, तो जो कंपाउंड मोटर है ये बेसिकली सीएनसी मशीन में उपयोग की जाती है, लेथ मशीन में उपयोग की जाती है। सीएनसी मशीन यानी कि कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में होते हैं उसमें खास करके कंपाउंड मोटर उपयोग की जाती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, यहां पे डीसी के पीएमडीसी मोटर होते हैं। पीएमडीसी मोटर, पीएमडीसी मोटर का मतलब होता है परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर। इसमें क्या होता है, इसमें फील्ड वाइंडिंग नहीं होता है, और इसमें क्या होता है परमानेंट मैग्नेट उपयोग किए जाते हैं पोल को क्रिएट करने के लिए, यानी कि पोल इसमें परमानेंट मैग्नेट से बना होता है। और यह खास करके इसका स्पीड काफ़ी ज़्यादा होता है, और इसको उपयोग में लिया जाता है टॉय में, बच्चों के टॉय जो खिलौने होते हैं कार वगैरह होते हैं उसमें पीएमडीसी मोटर को उपयोग में लेते हैं। और अगर आगे हम बात करते हैं स्पेशल मोटर की, तो स्पेशल मोटर बेसिकली चार तरह के होते हैं, और ये इनके स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, जिस वजह से इनका नाम स्पेशल मोटर पड़ा। अब हम बात करते हैं स्पेशल मोटर की पहली टाइप की, तो यूनिवर्सल मोटर होता है। यूनिवर्सल मोटर, स्पेशल मोटर में सबसे पहला यूनिवर्सल मोटर होता है। यूनिवर्सल मोटर वह मोटर होता है जो एसी और डीसी दोनों सप्लाई से रन करती है, यानी कि एसी और डीसी दोनों सप्लाई से रन करने वाली मोटर ये यूनिवर्सल मोटर होती है, यानी कि एसी सप्लाई से भी चलेगी और डीसी सप्लाई से भी चलेगी। ये इसका एग्जांपल की बात करें तो मिक्सिंग जो होता है मिक्सिंग ग्राइंडर में ये यूनिवर्सल मोटर उपयोग में ली जाती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्पेशल मोटर होती है स्टेपर मोटर। स्टेपर मोटर, स्टेपर मोटर जो है जनरली रोबोट में यूज किए जाते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से उठा के दूसरे जगह रखना है, फिर उठा के रखना है दूसरे जगह, मतलब एक ही काम को, एक ही ऑब्जेक्ट को एक ही जगह से दूसरा जगह रखते जाना है, रखते जाना है, रखते जाना, तो इस तरह के वर्क को करने के लिए स्टेपर मोटर को उपयोग में लिए जाते हैं, खास करके रोबोट में इसका उपयोग होता है। इसके बाद हम बात करते हैं सर्वो मोटर की, तो यहाँ पे सर्वो मोटर होती है। सर्वो मोटर, सर्वो मोटर जो है इसको खास करके रोबोट में ही यूज करते हैं, और इसको उपयोग में लेने के लिए सर्वो VFD भी लगानी पड़ती है, VFD वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस भी लगानी पड़ती है, तब जाके इसको ऑपरेट कर पाते हैं और ये रोबोट में उपयोग में लिए जाते हैं। का फोर्थ टाइप होते हैं BLDC, मतलब ब्रशलेस डीसी मोटर। इसके अंदर क्या होता है, ब्रश नहीं होता है, जितने भी मोटर सभी में ब्रश होते हैं, जिस वजह से उसका मेंटेनेंस बार बार करना पड़ता है। जब बार बार मेंटेनेंस करने पे उसका इफिशेंसी जो होता है काफ़ी मतलब कम हो जाता है, लेकिन BLDC मोटर का एफिशेंसी काफ़ी हाई होता है, और ये फ्यूचर मीटर मोटर भी कही जाती है। फ्यूचर में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होने वाला है। अभी के टाइम इसके एप्लीकेशन की हम बात करें BLDC मोटर की, तो कंप्यूटर के जो CPU होते हैं, CPU के अंदर BL जो फैन लगे होते हैं उसमें BLDC मोटर होते हैं उपयोग में लिए हुए किए जाते हैं, और इस तरह के काफ़ी सारी चीज़ों में इसका BLDC मोटर का उपयोग किया जाता है। अभी के टाइम में जो है BLDC मोटर, ब्रशलेस DC मोटर कम उपयोग हो रहा है, लेकिन आगे चल के काफ़ी ज़्यादा इसका डिमांड होने वाला है, इसलिए इसको फ्यूचर मोटर भी कहे जाते हैं। अब हम बात करते हैं जनरेटर की, तो जनरेटर बेसिकली दो तरह के होते हैं, AC जनरेटर और DC जनरेटर। AC जनरेटर को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटर, यानी कि जो अल्टरनेटिंग करंट को जनरेट कर रहा है वो अल्टरनेटर कहलाएगा, और जो DC करंट को जनरेट करता है उसको क्या कहते हैं, डायनेमो।
डायनेमो मतलब डीसी करंट को जनरेट करने वाला, और अल्टरनेटर यानी कि एसी करंट को जनरेट करने वाला। अब हम बात करें डीसी जनरेटर जो होते हैं जिसको डायनेमो बोलते हैं, वो भी तीन तरह के होते हैं, सीरीज डीसी जनरेटर, शंट डीसी जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर। तो इस तरह के तीन टाइप इसके भी होते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज के इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर हो गया होगा इलेक्ट्रिकल मशीन के क्लासिफिकेशन के और मोटर के उपयोग के बारे में। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।